بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله عز وجل في موضع آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریفات تسبیحات مقدس مطہر پاکیزہ کلمات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین دی ذات واسطے جو ازل تو اب تک تنہا یکتائے جیدی ذات دے اندر صفات دے اندر اور افعال دے اندر کوئی بھی شریک نہیں بے شمار لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کل کائنات دے سردار آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے اللہ پاک دے گے صدق دل دنال اے دعا ہے اج دے خطبہ جمعہ دی بر وقت حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دندر اللہ مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ کریم او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت نو اپنی عبادت اور بندگی واسطے پیدا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان دی زندگی دا بنیادی مقصد اللہ دی عبادت و بندگی ہے اور رب کائنات نے اس دنیا دے اندر انسان نو بھیجیا پیدا فرمایا
ओदी जिंदगी दा एक अहम मकसद अल्लाह दी इबादत और रिजा हासिल करना है। ओ अल्लाह दी तरफों इन्हां बंदियां दी आजमाइश हो रही है, इम्तिहान लिया जा रहा है कि कौन अल्लाह दियां नेमतां खा के अल्लाह दा दिता इस्तेमाल करके ए नौजवानी ए जिंदगी और दुनिया ते अल्लाह दियां अता करदा जो भी नेमतां ने इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा ओ अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा कहलांदा है या अल्लाह दियां नेमतां दी बेकदरी करन वाले च अपना नाम लिखवांदा है। दो रस्ते अल्लाह ने इंसान नू दिखाए, एक सिराते मुस्तकीम और दूसरा मकजूब और जालीन दा रस्ता है। एक खैर वाले लोगों दी राय और एक शैतान दा रस्ता है। एक अच्छाई दा रस्ता है, एक बदी ओ बुराई दी राय। एक तौहीद वाला रस्ता है, एक शिरको कुफर वाली राय। एक शुक्र गुजारां दा ग्रोए और दूसरा ना शुक्रे और बेकदरे लोगां दा ग्रोए। दोवें रस्तियां दी अल्लाह ने निशानदही भी फरमा दिती है। इन्ना हदीना हुस्सबीला फरमाया ऐ इंसान असी तेरी रहनुमाई दो रस्तियां दी तरफ फरमाई। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा हुन बंदिया तेरी अपनी मर्जी है, तू फरमा बरदारा च अपना नाम लिखवाना है या अल्लाह दे बागियां दे अंदर तू अपना शुमार करवाना है, शुक्र गुजार बनना है या अल्लाह दियां नेमतां दी कुफरान करना है। तो आइए अहबाबे गिरामी ऐ जिंदगी अबस और बेकार नहीं, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अता करदा बहुत बड़ी नेमत है और रोजे हशर हर बंदे तो इस अल्लाह दी दित्ती हुई नेमत ए जिंदगी वाली अमानत दे बारे सवाल कीता जाएगा और सूरे मुल्क दे अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला ए जिंदगी ओ मौत अल्लाह ही ने तखलीक फरमाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ए जिंदगी अता करके अपने बंदियां नू आजमा रहे ने, अपने बंदियां दा इम्तिहान लै रहे ने। अय्युकुम अहसनु अमला के कौन अच्छे अमल करने वाला है, कौन बेहतर अमल करने वाला है और केदे दिल दे अंदर नेकी दी तड़पे, नेकी दा शौक और शौक इबादत दी लगन किस बंदे दे दिल दे अंदर ज्यादा है। तो आइए अहबाबे गिरामी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक कुरान दे अंदर नेक लोगां दा जो मुकाम बयान होया और
नेकी दी अल्लाह दे हां कितनी कदरों कीमत है और नेक लोगां दे तस्कार अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पाक किताब दे अंदर बयान फरमा रहे ने। आइए असी भी अपने दिल दे अंदर नेकी दा शौक पैदा कर लीजिए, नेकी दा शौक पैदा कर लीए ताकि अल्लाह दे हां असी भी सुरखरू हो जाइए, कामयाब लोगों दे अंदर शामिल कर दिते जाइए। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी पाक किताब दे अंदर बार बार नेकी दी अहमियत दा जिक्र फरमाया ताके इबादुर रहमान और अल्लाह दे जितने भी इस कायनात दे अंदर बंदे ने उन्हां दे दिल दे अंदर नेकी दा शौक पैदा हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसे बंदे दी नेकी नू जाया नहीं जे कर दे। ऐ कुरान सुनना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अज्रहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नेक अमल करने वाला चाहे मर्द होए, नेक अमल करने वाली औरत होए, मुज़क्कर होए या मुअन्नस होए, मर्द होए या औरत होए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया असी किसे मोमन मर्द और मोमिना औरत नू नेकी तो उदे अजर तो महरूम नहीं कर दे। एथे दुनिया दे अंदर मेहनत कीती जाए क्या जांदा है, मेहनत बड़िया ने पर इज्जत कोई नहीं, मेहनत बड़िया ने मालिको आका दी तरफों रिगार्ड कोई नहीं, मेहनत बड़िया ने पर सिला कोई नहीं। एथे जनाब ए मेहनत नू रंग नहीं लग रहा, मेहनत दी वजह तो एदे जनाब मुआवजे दे अंदर एदी उजरत दे अंदर इंक्रीमेंट नहीं हो रही, इजाफा नहीं हो रहा और इनू दुनिया दे फवायद नहीं मिल रहे, इनू बुलंद दर्जा नहीं मिल रहा। ए मेरे भाई दुनिया दे अंदर ते तुसी गुफ्तगू सुनदे होवोगे ना मेरे भाई, आओ कुरान दी आयतां दा फैसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा मुज़क्कर होए या ओ दुनिया दे अंदर मोमिना औरत होए, नेकी करन वालियां दी अल्लाह नेकी नू जाया नहीं करनगे। मेरे पाक नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बास बीवी मेरी और तुहाडी मां उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा कहो रजी अल्लाह ताला अन्हा आप दे कोल कुछ औरतां आईया, ए औरतां दा एक ग्रोह आया ते आ करके कहंदियां ने मां जी असी नबी जी दे कोलों सवाल करना चाहदियां सां, लेकिन नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सामने असी सवाल नहीं कर सकियां, तुसी ही सानू ए बात समझा दियो। असी कुरान पढ़न वालियां हां, जदों असी कुरान दियां तिलावतां करनियां हां ते कुरान दे अंदर मर्दां दा ही जिक्र आउंदा है, किते मर्दां दी सिफत हो रही है कि ओ नमाज कायम करन वाले ने, किते बंदियां दा जिक्र हो रहा है ओ खर्च करन वाले ने, मर्दां दा जिक्र हो रहा है ओ जिहाद करन वाले ने, रात दा कयाम करन वाले ने, अल्लाह दे रास्ते दे अंदर कुर्बान होन वाले ने और किते ओना दी दुनिया दे अंदर
जवानी दा तस्किरा ओना दिया इबादात दा तस्किरा ते औरतां दा जिक्र ही नहीं आंदा। औरतां दा जिक्र कुरान दे अंदर बहुत कम आंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे पाक नबी जनाब मुहम्मद मिलके कवो सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम दे कल्बे मुबारक ते कुरान नाजल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह फरमांदे ने नेकी करने वाला मर्द होए या नेकी करने वाली मोमिना औरत होए, अल्लाह किसे दी नेकी नू जाया कर दे? बोलो अल्लाह किसे दे अजर नू जाया कर दे? अल्लाह दे हां कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा ओदा भी अजरो सवाब पाएगा और ओनू ओदी नेकी दा सिला दे दिता जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दां दा भी जिक्र फरमाया है, औरतां दा भी जिक्र फरमाया। हालांकि इना मोमिनीन दे अंदर जिथे भी कुरान पाक ने मुजक्कर दे सीगे इस्तेमाल फरमाए, फरमाया अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, मुराद दोवें गरोह ने मर्दो औरत मुखातम ने रोजे दा हुक्म आया। अल्लाह ने मर्दो औरत दोवां नूं मुखातब फरमाया। सदकात दा हुक्म आया मर्दो औरत दोवां नूं मुखातिब फरमाया। इबादत दा अल्लाह ने जिक्र फरमाया। मोमिन मर्दां ते मोमिना औरतां नूं अल्लाह ने इन्हां नूं बयक वक्त मुखातब फरमाया है। इत्थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां औरतां दा जवाब भी दे दिता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात। ए नेक बंदियां दा ते मोमिना औरतां दा अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशीन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अज्रन अज़ीमा। फिर को प्यार नाल सुनो जे मेरे भाई बर वक्त आए हो खुतमा जुमा दी अदायगी दे वास्ते, इस नेकी दे अजीम रुतबे दे वास्ते जज्बा लेके आए हो। आओ तुहानू कुरान सुनावा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुसलमान मर्द और मुस्लिमा औरतां मोमिन मर्द ते मोमिना औरतां फरमा बरदार मर्द ते फरमा बरदार औरतां और साबर करने वाले मर्द ते औरतां अल्लाह तो डरने वाले मर्द और औरतां सदका और खैरात करने वाले मर्द और औरतां रोजा रखने वाले मोमिन मर्द ते मोमिना औरतां शर्मो हया दे पैकर मर्द और शर्मो हया दियां पैकरा औरतां अल्लाह दा जिक्र करने वाले मर्द और औरतां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो अलैदा अलैदा जिक्र फरमाया है। इथों एक मसला ए भी समझ आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ए भी मसला समझा दिता है कि इस दुनिया दे अंदर मर्द दा रुतबा अलैदा है, औरत दा मुकाम अलैदा है। ए दुनिया दे अंदर मेरे भाई मखलूत निजाम जित
जिथे भी मखलूत नजाम है उथे तबाही ओ हलाकत ही होई उथे खसारे ते मेरे भाई नदामत दा ही सामना करना पिया। इन आयतां दे अल्फाज दस रहे ने के कुरान दी आयतां भी मखलूत नजाम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एदी तरदीद फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इना मोमिन मर्दां लई मोमिना औरतां लई अल्लाह दी तरफों की बशारत है। अल्लाह फरमांदे ने अअद्दल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते ने उन्हां लई मगफरत भी है बख्शिश दा सर्टिफिकेट भी है उन्हां लई अजरे अजीम भी है। अल्लाह पाक एहो जे बंदियां वास्ते अजरे अजीम दी अपनी जन्नत दी मगफरत दी अपनी रिजा दी और अपनी खुशनुदी दी और अपनी मोहब्बत दी बशारत दे रहे ने। इधर वेखिया जे जरा इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद फिर कवो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़िल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा वाताअत बालहा वसामत शहरहा वहासूनत फरजहा। फरमाया जेड़ी औरत ए जनाब चार कम करने वाली है ए पंज नमाज़ां दी हिफाजत करने वाली ए पंज गाना नमाज दी पाबंदी करने वाली है अपने शौहर दी फरमा बरदारी करने वाली है और माहे रमजान दा रोजा रखने वाली है अपनी इज्जत आबरू दी हिफाजत करने वाली है। मेरे पाक नबी ने फरमाया कयामत दे दिन एहो जी औरत जेड़ी पंज नमाज़ां पढ़दी रही बकायदगी दा एहतमाम करदी रही अपने शौहर दी रजा दा समान बनदी रही माहे रमजान दे रोसे दी पाबंद होई और अपनी इज्जत आबरू नू संभाल के रखिया कयामत दा दिन होएगा अल्लाह ओ दे लई जन्नत दे अठे दरवाजे खोल देंगे। इन्ना अजरो सवाबे नेकी करन वाले दा इन्ना रुतबाए। आओ सुनो जरा अल्लाह दा कुरान मेरे और तुआडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजल फरमाया फरमाया जेड़े नेकी करने वाले लोग ने ओ मुज़क्कर होन ओ मोमिना औरतां होन अल्लाह उन्हां दे अजर नूं ज़ाया नहीं करनगे। मन आमिला सालिहम मिन ज़ाकरिन औ उनसा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम मा कानू यामलून। फरमाया उन्होंने बेहतर अजर दिता जाएगा उन्होंने ओदा बेहतरीन सिला दिता जाएगा। आइए मेरे भाई बड़ी अकीदत दे नाल मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जज्बा नेकी ते सुनना जरा। मेरे नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम नबुवत मिलन तो पहला भी इबादत दे अंदर अपनी जिंदगी गुजारने वाले आपने अपनी सारी जिंदगी नेकी दा दरस दिता है और अपने अमल दे जरिए साबित करके दिखाया है। जिदो मेरे आका अलैहि सलाम ते पहली वही नाजल होई मेरे आका अलैहि सलाम ना परेशान ने आप दी जबीने अक्दस ते पसीने दे असरात नमूदार हो गए ते हजरत खतीजा कहो रजी अल्लाह ताला अनहा मेरे पाक नबी दी तारीफ कर रही ने ए ओ खतीजा है जिन्ना मेरे पाक नबी दी अमानत नू वेख्या मेरे पाक नबी दी सदाकत नू देख्या मेरे पाक नबी दे जाहिरो बातन नू देख्या मेरे नबी पाक दे लैलो नहार नू देख्या है। अरब दे बड़े बड़े तुजार ने मां जी दे वल पैगामे निकाह भेजे आए हजरत खतीजा तुल कुबरा
कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप दियां ए जनाबे वाला अच्छाइयां दी मौतरीफ हो गईयां ते उस मौके ते फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जी तुसी गम क्यों करते हो, क्यों गम जदा हो, क्यों परेशान हो। इन्नका ला तसीलुर रहीमी व तहमीलुल कलाम व तुकरीउज ज़ईफ व तुईनु अला नवाई बिल हक कल्ला वल्लाही ला युखजी कल्लाहु अबदा। अम्मा जान फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी तुसी सिला रहमी करने वाले हो, रिश्ते जोड़ने वाले हो, रिश्तेदारां दे हकूक अदा करने वाले हो, तुसी हकूकुल इबाद दा ख्याल रखने वाले हो, मेहमाना दी मेहमान नवाजी करने वाले हो, अल्लाह दे दीन लई तकलीफां उठान वाले हो, लोगां दियां जरूरतां पूरियां करने वाले हो, लोगां दियां जनाब ए तकलीफां ते लोगां दे बोझ उतारने वाले हो। अल्लाह दे नबी जी मैं अल्लाह तो यकीन कामिल दे नाल कहनी आं जिदे विच इन्नियां नेकियां होन अल्लाह कदे भी गमगीन नहीं करनगे, कदे भी परेशान नहीं करनगे। कल्ला वल्लाही ला युखजी कल्लाहु आबादा। मां जी फरमांदियां ने अल्लाह दी कसम मैनू यकीन कामिले तुसी अल्लाह दे हां सुरखरू हो, अल्लाह तुहानू कदे भी तनहा नहीं छोड़नगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कदे भी तुहाडे ते गम नहीं आन देंगे। ऐ जे मेरे पाक नबी दा जज्बा है नेकी, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल दे जरिए सहाबा किराम दी तरबियत फरमाई है, सहाबा दे दिल दे अंदर नेकी दा शौक पैदा फरमाया, नेकी दी तड़प पैदा कर दिती है। ऐदर वेखिया जे जरा मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहि सलाम ने एक हदीस मुबारका बयान फरमाई। आप अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे प्यारे नबी करीम अलैहि सलाम दा बड़ा प्यारा फरमाने गिरामी है, फरमाया ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन फाल तुम तहाबब तुम। आप अलैहि सलाम ने फरमाया अफशु सलाम बैनकुम अफशु सलाम बैनकुम। आप अलैहि सलाम ने फरमाया ओए मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लोगों ओनी देर तक कोई बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जितनी देर तक मोमिन ना बन जाए। जन्नत के दाखले वास्ते मोमिन होना जरूरी है और उन्नी देर तक कोई मोमन नहीं जे बन सकता जितनी देर तक आपस दे अंदर मोहब्बत ना करन लग जाए। और आप अलैहि सलाम ने फरमाया आओ मेरे सहाबा मैं तुहानू दसा एक ऐसा अमल कर लिया करो जेड़ा बहुत ही ज्यादा अल्लाह का महबूब है, जिदा ना कोई खर्चा है, जिदा ना कोई मुल है, जिदे वास्ते ना सुबह शाम का इंतजार। आप अलैहि सलाम ने फरमाया ओए मेरे सहाबा अगर चाहते हो कि मुहब्बत तुहाडे दिलां च पैदा हो जाए, फरमाया फिर अफशु सलाम बैनकुम सलाम नू आम करया करो, सलाम फैलाया करो। मस्जिद दे अंदर आओ, बाजार दे अंदर जाओ, अपने घर दे अंदर जाओ, दोस्तों अहबाब दे नाल गुफ्तगू करो, ऐ जनाब अपने मोबाइल दे जरिए रवाबित करो, सलाम नू आम करो। सलाम फैलाना तुहाडा काम है, दिलां च मुहब्बत पैदा करना मैं रब रहमान दा काम होएगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी दा ज़ौक पैदा कीता है। इधर मेरे आका अलैहि सलाम हिजरत करके जदों मदीना तैयबा दे अंदर तशरीफ ले आए, आप अलैहि सलाम ने पहला जेड़ा वास फरमाया
पहला खुतबा इरशाद फरमाया है, आपने नेकी दा ज़ौक पैदा कीता है, अफशु सलाम व अतीमु ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिललैल वन्नास नयाम। आपने फरमाया लोगों, ओए यसरब वालो, मक्के देओ, ए मदीना तैयबा देओ पासियो, आपने फरमाया जे सलाम तीनाल जन्नत चांदे हो, अल्लाह दी रज़ा ते अल्लाह दी मोहब्बत चांदे हो, फरमाया सलाम आम करया करो, लोगों नू खाना खिलाओ, रिश्ते नाते मिलाओ, रात दी तरीकी दे अंदर कयाम करो, अल्लाह इन्हां नेकियां दी बरकत दे नाल, इन्हां नेकियां दी वजह तो सलामती दे नाल जन्नत दा वारस बना देवेगा। नेकी दा ज़ौक इन्ना पैदा कर दिता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो हदीस मुबारक सुनी ते दिल दे अंदर नेकी दा ज़ौक है, हर वक्त हर घड़ी हर सुबह शाम इन्हां दे दिल दे अंदर नेकी दा जज्बा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बाजार दे अंदर जा रहे ने, और तुहानू पता है कई बंदियां ने नोट करना हुंदा है, एक कहन लगा ए प्यारे अब्दुल्ला बिन उमर, असर दी नमाज तो बाद तुसी ऐस रस्ते चो अक्सर गुजरदे हो, ते मैं तुहानू वेखना, ना तुसी मार्केट दे अंदर जांदे हो, ना तुसी किसे मंडी बाजार दे अंदर जांदे हो, ना तुसी किसे खास कसत ते इरादे नाल जांदे हो। हजरत जी जान दी वजह की है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नो मुस्कुराए, आपने फरमाया ओए पूछने वाले दोस्त, ओए मेरे भाई, असल च गल लेवे, जिदों दा मैं प्यारे नबी तो फरमान सुनया है, अफशु सलाम बैनकुम अफशु सलाम बैनकुम, ओए अल्लाह दी तरफों जन्नत दे दाखले चांदे हो, ईमान दी मजबूती चांदे हो, आपस दी मोहब्बत जानदे हो, सलाम आम करया करो। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह नो फरमा रहे ने, मैं इस वास्ते इन्हां रावां चो गुजरना के मैनू कोई अपना मिले तां भी, बेगाना होवे तां भी, वाकिफ होए ना वाकिफ होए, छोटा होए बड़ा होए, मैं सलाम दे अंदर पहल करके अपने नामे अमाल दे अंदर नेकियां दा अजाफा करवाना चाहना। ऐजे नेकी दा जज्बा नेकी दा शौक, इमाम बुखारी सब को रहमतुल्लाह अलैह उन हदीस नकल फरमाई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चियां नू भी सलाम कीता करदे सी, और आप अलैहि सलातो व सलाम ने उसूल बयान फरमाया, आपने फरमाया जिहड़ा सवारे ओ पैदल नू सलाम करे, जिहड़ा खड़ा है ओ बैठने वाले नू सलाम करे, जिहड़ा आन वाला है ओ जना पहले तो मौजूद लोगों नू सलाम करे, ऊपर वाला निचले वाले नू सलाम करे। मेरे प्यारे नबी करीम अली सलाम दा कितना प्यारा फरमान है, और ये अल्लाह की तरफों तोहफा है, अल्लाह की तरफों ये नबियां की तरफ आया होया तोहफा है। अल्लाह ने नबियां ते सलाम भेजिया, जनाबे इब्राहिम ते अल्लाह ने नाम लैके सलाम भेजिया, उलुल अजम पैगंबरां ते सलाम लैके नाम भेजिया, और तुसी ए मोबाइल फोना दा इस्तेमाल करते हो, हैलो नू आम नहीं करना, बल्कि गल करन तो पहला सलाम नू आम कीजिए, नेकियां दे अंदर अजाफा कीजिए। आइए मेरे भाई, मैं अर्ज करना चाहना, नेकी करन वालियां दे दिल अंदर नेकी दा कितना ज़ौक है, नेकी दी कितनी तड़प है। मेरे प्यारे नबी करीम अली सलाम ने एक मौके ते मुश्किल घड़ी आ गई, मुश्किल वेला आ गया, ए मैदाने बदरे, मेरे नबी करीम अली सलातो सलाम ने मुट्ठी भर सहाबा ने जिन्ना दे कोल तीरो तलवार भी नहीं, जिन्ना दे कोल जीरा भी मौजूद नहीं, जिन्ना दे कोल जनाब दुनिया दा साजो समान नहीं, ईमान दी कुव्वत दे नाल
मालामाल ने मेरे प्यारे नबी करीम अली सलाम ने एक बुलंद जगह ते खड़े होके कुरान दी इको ही आयत पढ़ी है वसारिला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अरसुह समावातु वल अर्ज ओ इद्दत लिल मुत्तकीन। मेरे आका अली सलाम ने कुरान दी आयत पढ़ी मैदान बदरे मुश्किल हालात ने ते आप कुरान दी आयत पढ़ रहे ने वसारियू इला मगफिरतिन जिदा तर्जमा किए ओए अल्लाह दे बंदो दौड़ो उस जन्नत दी तरफ तैयार हो जाओ उस जन्नत दे हुसूल वास्ते कुर्बान हो जाओ उस जन्नत दे दाखले वास्ते दौड़ो जल्दी करो उस जन्नत दे अंदर हिस्सा लैण वास्ते उन्हां जन्नती लोगां दे अंदर अपना नाम लिखवाण वास्ते ओ केड़ी जन्नत है जिहड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन ओ आसमान दी लंबाई ओ चौड़ाई तूलो अर्ज दे नालों भी ज्यादा बना दी है और अल्लाह ने ओ तैयार की है नेकी करन वाले वास्ते मुत्तकीन वास्ते परहेजगार वास्ते। अल्लाह अकबर अल्लाह जन्नत विच तेरे लई रेशमी लिबास दुध दियां नहरां ते चांदी दे गलास जन्नत विच तेरे लई रेशमी लबास दुध दियां नहरां ते चांदी दे गलास अम्ब सेब केला हुन रज रज खा रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। और बड़ी मोहब्बत वाला जुमला है मोमिना नू लग दी प्यारी ए नमाज अल्लाह मैनू तुहानू हिफाजत दी तौफीक अता फरमाए फिर कहो आमीन। और इस घड़ी के अंदर भी अल्लाह पर वक्त हाजरी दी तौफीक अता फरमाए मोमिना नू लग दी प्यारी ए नमाज मुनाफिका दे वास्ते भारी ए नमाज शैतान पीछे लग के वेला ना गवा रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा ओ केड़ी जन्नत ए मैं कुर्बान जावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओ मोमिना वास्ते तैयार कर दिती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसारियू इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज ओ इद्दत लिल मुत्तकीन। मेरे प्यारे नबी करीम अली सलाम ने मैदाने बदर दे अंदर ए कुरान दी आयत पढ़ी आयते कुरानी दी तिलावत फरमाई सहाबाए किराम दा ज़ौक वेखी इन्हां दा जज्बा जिहाद देखी इन्हां दा नेकी दा ज़ौक ते नोट करना जरा सहाबाए किराम कहन लगे अल्लाह दे नबी जी असी मूसा नबी दे साथियों दी तरह बेवफाई नहीं करांगे तुसी हुक्म करो असी तुहाडे हुक्म ते कट जावांगे कुर्बान हो जावांगे। मेरे नबी करीम अली सलाम ने फरमाया ओ जन्नत तुहाडी मुंतजिरे जेड़ी जन्नत अल्लाह ने मोमिना वास्ते तैयार कर दिती है ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी ओ जन्नत जिदे विच मछली दी पहली मेहमान ओ जन्नत जी दे विच जवाना ने हूराम ओ जन्नत जी दे विच ने उम्दा खुजूरा हूरा कातियां ने सूरता कटियां मुसव्वर कोई कर सकदा ही नहीं तसव्वुर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
एनिया पहाड़ां ते एनिया नेमतां वाली जन्नत तैयार कर दित्ती है। एक मेरे नबी दा सहाबी हजरत उमैर बिन अल हम्माम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हत्थां दे अंदर खजूरां वाली थैली पकड़ी है। ए कुरान दी आयत सुनन तो बाद जन्नत दी लगन ने नेकी दी तड़पे। इन्हां नूं जनाब भूख ने भी सताया है, सफर भी है, गर्मी दी शिद्दत भी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे नबी करीम अलैहि सलाम दा फरमान आ चुकया है, हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ओ खजूरां वाली थैली नूं अपने जनाबे वाला जमीन ते रख दिता है ते कहंदे की ने अल्लाह तू गवाह बन जा, ए दुनिया दिया खजूरां नहीं हुन तेरी जन्नत दे ही मेवे मिलणगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों इन्हां वास्ते बशारतां दे भी ऐलान हो गए, कट गए, कुर्बान हो गए। नेकी दा जज्बा इन्हां दे दिल दे अंदर कैसा है, आइए मेरे भाई अरज करना चाहना। और उन्हां पाक बा सहाबा दे बारे, उन्हां मेरे नबी पाक दे यारां दे बारे, उन्हां दियां इबादतां ते नेकियां दे बारे कुरान की कहंदा है, अताई बिल मारूफी वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबशीरिल मुमिनी। अल्लाह फरमांदे ने ए कौन मेरे पाक नबी दे सहाबा ने ईमान वाले जेड़े तौबा करन वाले जेड़े इबादतां करन वाले दिने रोजा रखन वाले रात कयाम करन वाले रकू ओ सुजूद करन वाले नेकी दा हुक्म देने वाले बुराई तो रुकने वाले हया दे पैकर बनने वाले अल्लाह दियां हद्दां दी हिफाजत करने वाले। और अल्लाह ने फरमाया ए मोमिन ने बोलो सहाबा बोलो सहाबा मोमिन ने ए सहाबा दे ईमान दी अल्लाह ने गारंटी दिती है और ओना वास्ते जन्नत दी बशारत सुनाई है। ए कौन मेरे नबी दे सहाबा ने नेकी दा जज्बा ते वेख कितों कितों कुरान पढ़ा। अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफार रोहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदैन यबतगूना फज़लम मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन आसरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। अल्लाह ने उन्हां दियां रातां दा तज़किरा कीता है, उन्हां दे दिनां दा तज़किरा कीता है, इबादतां दा तज़किरा कीता है, नेकी दा ज़ौक ते शौक पैदा कीता है। मेरे नबी करीम अली सलाम ने हुक्म फरमाया मेरे सहाबा तबूक दा मैदान है, सफर भी लंबा है, इंदे वास्ते तुहाडियां जानां दी भी जरूरत है, तुहाडे माल दी भी जरूरत है। मेरे पाक नबी दे सहाबा
ने सब कुछ कुर्बान कर दिता है, सब कुछ मेरे पाक नबी तो लुटा दिता है। इधर वेखिया जे नेकी दा जज्बा कैसा है मेरे नबी दे सहाबा दे दिल दे अंदर, उन्हां दे दिल दे अंदर नेकी दा शौक कैसा है। मेरे आका अलैहि सलाम ने तरबियत किन्नी सोहनी फरमाई है, कितना सोहना मेरे पाक नबी दा अंदाज है। आपने फरमाया मेरे सहाबा नेकी दे किसे भी कम नू हकीर ना समझिया करो। आपने फरमाया ला तहकीरन मिनल मारूफ शैयन, आपने फरमाया छोटी तो छोटी नेकी नू हल्का ना समझो, मामूली ना समझो, इनू छोटी नेकी समझ के जाया ना करो। फरमाया नेकी दी जुस्तजू, नेकी दी तड़प और नेकी दा जज्बा और शौक लगन हर वक्त हर घड़ी दिल दे अंदर पैदा होनी चाहिए। फरमाया नेकी दे किसे काम नू हकीर ना जानो, पवे अपने भाइयां नू अपने वीरां नू मुस्कुरा के मिलो। क्यों जी, किसे नू मुस्कुरा के मिलन ते कोई कीमत लगदी है? लेकिन अल्लाह दे हां ए भी नेकी दा बेहतरीन जरिया लिख दिता जांदा है। सलाम कहनते ओनू खंदा पेशानी दे नाल मिलके ओनू दो चार कदम अलविदा करके ओंदी जनाब गुफ्तगू नू ध्यान नाल सुन के साडा कुछ नहीं जाना, लेकिन नेकियां दे अंबार लग जाएंगे, अल्लाह दी रजाओ मुहब्बत भी मिल जाएगी। ए मेरे नबी करीम अली सलाम दा फरमाने गिरामी है। आपने फरमाया ए मेरे सहाबी जिदों भी तेनू अल्लाह दी तरफों तौफीक मिले नेकी दे हुसूल वास्ते मेहनत करया कर, नेकी दा जज्बा पैदा करया कर। मिलना की है, आओ सुनना अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने सूरह हशर आखरी आयत दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने फमन कान यरजू लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक भी इबादति रब्बी ही अहादा। फरमाया जेड़ा बंदा चांदा है कि ओदी अल्लाह नाल मुलाकात हो जाए, दुआ करो अल्लाह हशर दे दिहाड़े अपना दीदार नसीब फरमाए। और हाँ, जेड़े नमाज की हिफाजत करने वाले नेकी दे अंदर सबकत करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने अपना कुरब भी अता करना है, उन्होंने अल्लाह दी मुलाकात का भी शरफ हासिल होएगा, आप दी कुराबत भी मुयसर आएगी। अल्लाह फरमाते ने फमन कान यरजू लिका रब्बी ही, जिन्नू उम्मीद है जिदा अकीदा है जिन्नू इस बात ते पुख्ता यकीन है कि अल्लाह दी मुलाकात होएगी और वो इस बात दा मुतमन्नी है कि अल्लाह दी मुलाकात हो जाए। अल्लाह फरमांदे ने फिर उन्हूं करना की चाहिदा है फलियामल अमलन सालिहा, ओ नेक अमल करे, ओ नेकी दे अंदर सबकत करे, आगे बढ़ के नेकी दा जज्बा पैदा करे और ओ नेकी दे अंदर हर मामले दे अंदर पहल करने वाले च नाम लिखवाए, जन्नत भी मिलेगी। जन्नत दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ओनू रज के अपना दीदार भी अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकी दा इस कदर रुतबा बयान फरमाया। सुनो जरा बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा कहो रजी अल्लाह ताला अनहो इस हदीस से रावी ने एक दिन मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने नमाज पढ़ाई ते नमाज पढ़ान तो बाद मेरे नबी करीम अली सलाम सहाबा दी तरबियत भी फरमाया कर दे सी। मेरे नबी करीम अली सलाम ने आप अली सलाम ने अपने सहाबा वल एक पाक नबी अली सलाम दी तरबियत दा अंदाज वेखिया जे जरा। आप अली सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मन हल मिन कुमुल यौमा साइमन, ओए मेरे सहाबा आज दे विच आज दे दिन तो आड़े चों किसे ने रोजा रखे आए,
आप अली सलाम ने ए नफली रोजा है माह रमजान नहीं, आप अली सलाम ने पूछा मन हल मिनकुम अलयौम सौइमन, ओए मेरे से आबा क्या तुहाडे चो किसी ने रोजा रखे आए। मेरे नबी करीम अली सलाम दे सहाबा दे विचों ओदा नंबर आया जिदा ईमान दे अंदर पहला नंबर है, जिदा कुरान दे अंदर नबुवत तो बाद पहला नंबर है, ओदा नंबर आया जिदा पैगंबर दी जात तो बाद हदीस दे अंदर पहला नंबर है, जिदा पैगंबर तो बाद दुश्मन दी जुबान ते पहला नंबर है, ओदा नाम आया जिदा मुसल्ले ते नबी पाक दी जात तो बाद पहला नंबर है। मेरे नबी दे यारे गार कहन लगे नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी अल्लाह दे नबी जी आज दे दिन तुहाडे सिद्दीक ने रोजे दास ए अजीम अजर भी हासिल कीता है। मेरे आका अली सलाम मुस्कुराए, आप अली सलाम ने दूसरा सवाल फरमाया, सहाबा किराम नु मुखातब फरमाया, आप अली सलाम ने फरमाया मन अतबा मिनकुमुल जनाजा, ओए मेरे सहाबा आज तुसी किसे दा जनाजा पढ़िया होए, किसे दा जनाजा पढ़न दी भी तौफीक अल्लाह ने दित्ती होए, ते जनाबे सिद्दीक ने अल्लाह दी रजा वास्ते उस दिन भी एक मुसलमान दा जनाजा अदाया सी। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दे दिन एक मोमिन मुसलमान दा मैं जनाजा भी पढ़िया है, ए ओदा ही नाम आया जेड़ा मेरे नबी पाक दा यारे गार है, जिदी नेकी दे क्या कहने। अल्लाह दी कसमे मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम दी प्यारी बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन पुछदियां ने अल्लाह दे नबी जी प्यार दियां बोलियां ने, पुछे अल्लाह दे नबी जी आसमान दे तारे जिन्नियां भी किसे दियां नेकियां ने, आप अली सलाम ने फरमाया हां आयशा आसमान दे सितारे जिन्नियां मेरे उम्र दियां नेकियां ने। हजरत आयशा रजी अल्लाह ने यह समझिया कि नाम मेरे बाबा दा ही आएगा, नबी पाक ने यारे गार दा सिद्दीक अकबर दा आएगा। मेरे आका अली सलातो सलाम ने फरमाया आसमान दे सितारे जिन्नियां ने किया मेरे उम्र दियां ने। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे प्यारे नबी करीम अली सलातो सलाम को यह सवाल किया है, आप फरमाते ने आयशा तेरे दिल दे अंदर गल सी के नाम सिद्दीक अकबर दा आएगा अबू बकर दा आएगा। मेरे आका अली सलातो सलाम ने फरमाया ए प्यारी आयशा ए उमर बिन खताब दियां इन्नियां नेकियां ने, मेरे उमर दियां आसमान दे तारे जिन्नियां नेकियां ने, लेकिन मेरे सिद्दीक दियां इक्को रात दियां इन्नियां नेकियां ने, इको रात दियां इन्नियां नेकियां ने। ए तो सिद्दीक अकबर है यारो जिदी मोड़ ते अहमद चढ़िया, सारी खलकत दे विचों पहला जिस कलमा नबी जी दा पढ़िया ते रोजे हशर नू ओ शर्मिंदा हो सी जेड़ा नाम सिद्दीक तो सड़िया, हकदार है ओ जन्नत दा यारो जिन्ने लड़ सिद्दीक दा फड़िया। ए कौन सिद्दीक मैं कुर्बान जावा सफरां दे विच जिन्ने मोड़ियां ते चाया ए, कवो प्यार नाल सुभान अल्लाह मैं कुर्बान जावा कौन सिद्दीक ईमान वाला जुमला है। अल्लाह दी कसम प्यार वाला जुमला नोट करे आज जरा, कौन सिद्दीक सफरां दे विच जिन्ने मोड़ियां ते चाया ए, सप पवे डंग मारे यार ना जगाया ए, अज भी ओ आका जी दे नाल सुते ने ताइयो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। मेरे आका अली सलाम ने तीसरा सवाल फरमाया, आपने फरमाया मन अताम मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, ओए मेरे सहाबा
किसे ने आज किसे मिसकीन नू खाना खिलाया होए, खाना भी किसे ने खिलाया है। फिर जनाबे सिद्दीक अकबर ने आख्या अल्लाह दे नबी जी नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए भी सादता मेरे पाक नबी दे सिद्दीक दे इसे आईयां। आप अली सलाम ने अगला सवाल फरमाया, आपने फरमाया मेरे सहाबा मन आदम कुमुल यौमा मरीजन। आप अली सलाम ने फरमाया ओए मेरे सहाबा किसे ने किसे बीमार दी इयादत कीती है, तिमारदारी कीती है, किसे बीमार दी खबरगिरी कीती होए। फिर जनाबे सिद्दीक अकबर ने कहा अल्लाह दे नबी जी नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अल्लाह दे नबी जी आज दे दिन मैं रोजा भी रखिया, आज दे दिन एक मुसलमान दा जनाजा भी पढ़िया, आज दे दिन मिसकीन नू खाना भी खिलाया, आज दे दिन बीमार दी बीमार पुरसी भी कीती है। मेरे पाक नबी ने सवालों का सिलसिला रोक के मेरे सिद्दीक दी अजमत से हाबत बयान फरमाई। आपने फरमाया मजतमा फी इमरीन इल्ला दाखल जन्नाम। ओए मेरे से आपा जिदे च इनिया नेकियां होन इना नेकी दा जज्बा होए अल्लाह जरूर जन्नत दा दाखला ता फरमाउंगे। बल्कि एक हदीस के अंदर आया के रोजेदार नू बाबू सयाम दे विचों बुलाया जाएगा और इबादत गुजार नू मखसूस दरवाजे तो बुलाया जाएगा, सदका करने वाले नू बाबू सदका चो बुलाया जाएगा और जनाब हज करने वाले नू मखसूस दरवाजे चो बुलाया जाएगा। इको जाते मेरा यकीन कामिल है के जिन्नू बुलाया जाना है जन्नत दे अठे दरवाजे चो बुलाया जाना है। ओ मेरे नबी दा सिद्दीक मेरे नबी दा यारे गार अबू बकर सिद्दीक होएगा, क्योंकि मेरे आका अली सलाम ने फरमाया एक ओ भी शख्सियत है जिन्नू जन्नत दे अठे दरवाजे चो बुलाया जाना है ओ मेरे नबी दा सिद्दीक है। अल्लाह मैनू तुहानू भी सहाबा दी तरह नेकी दा ज़ौक और जज्बा पैदा करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा तुहाडा खातिमा ईमान ते फरमाए, ज़ौक और नेकी दी लगन और नेकी दा जज्बा अल्लाह सानू भी इन्हां पाक बाज़ हस्तियां दी तरह पैदा करन दी तौफीक अता फरमाए।